नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरा नाम अभय सिंह यादव है, मैं राजस्थान अलवर से रहने वाला हूँ। ये रहेगा इस गोगो एवन कंपनी को मैंने जून 2020 में ज्वाइन किया, उसके बाद अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा कहना चाहूँगा। मैंने 7वीं 8वीं क्लास में कहानी पढ़ी थी कि एक छोटा बच्चा होता है जिसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं और उसका ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाती है। तो एक रिक्शा चलाता हो पैडल रिक्शा, तो जिस सिटी में रिक्शा चलाता है तो वहाँ पे चढ़ाई आती है। एक दिन फर्स्ट डे उसको पैसेंजर मिलता है जो रिक्शा में चढ़ता है। जब चढ़ाई आती है तो बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको ताने मारता है, तेरे बस की नहीं तो रिक्शा क्यों चला रहा तू, पैसे नहीं ले गया फ्री में चला रहा है, चला। वो बेचारा मेहनत करके उतर के खींच खांच के रिक्शा पार करता है पर चढ़ाई। नेक्स्ट डे उसको एक कुछ एजुकेटेड पर्सन मिलता है जिसका अच्छी ड्रेस वगैरह पहनी है कुछ। जब चढ़ते टाइम रिक्शा आप चढ़ता है तो वो बच्चे को बोलता है कि बेटा तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी सी उम्र में तेरे को इतना पसीना आ रहा है, तेरे पर कंधों बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और वो रिक्शा से बैठा रहता है और रिक्शा पार कर देता है। थर्ड डे वो जब पैसेंजर मिलता है वो नॉर्मल आदमी होता है नॉर्मल ड्रेस में। जब वो रिक्शा चढ़ाई आती है तो बोलता बेटा रुक मैं उतरता हूँ और मैं धक्का लगाता हूँ। तो वो उतर के रिक्शा धक्का लगाता है, दोनों पैदल चढ़ के चढ़ाई पर चढ़ के फिर बैठ के पार कर जाते हैं। तो यहाँ का जो सेटअप है, जो हमारे श्रीकांत सर हैं, यहाँ के स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ हैं, उमेश सर हैं, इनका नेचर है कि हम जिस रिक्शा चला रहे हैं उसको धक्का लगाने के लिए सभी हेल्प करेंगे। सभी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पिंग नेचर है। और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही पीसफुल रहा, बहुत एनकरेजिंग रहा मेरे को बहुत कुछ। हालांकि मैं टेक्नीशियन हूँ, मेरे को टेक्निकल काफ़ी नॉलेज है, फिर भी जो नहीं था वो यहाँ पे मेरे को मिला, प्राप्त हुआ। थैंक यू। थैंक यू।